नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संस्कृति फ्लूड्स। तो इस लेसन में हम लोग अपना पहला अलंकार सारेगामा पादनिसा सानिदपा मगरिसा इसको देखेंगे। इस अलंकार के करने के लिए इस लेसन में मैं जी बेस की बांसुरी इस्तेमाल करूंगा। तो देखिए एक बार बांसुरी पे। तानपुरा जी स्केल पे सेट है। अब देखते हैं इसको। अब हम थोड़ी इस अलंकार की गति बढ़ाकर देखेंगे, थोड़ा स्पीड में। तो ये था आपका अपना अलंकार। अब हम चाहे तो और इसको स्पीड में कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग लेवल पे हमें इससे ज़्यादा स्पीड अभी नहीं बढ़ानी चाहिए। जितना हो सके हमको इसी स्पीड पे इसको प्रैक्टिस करना है। इससे अपनी फिंगरिंग, बांसुरी को होल्ड करना, इन चीज़ों का अभ्यास होगा और हमें बांसुरी को बजाने में, पकड़ने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम शुरुआती लेवल पर नहीं आएगी। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि बांसुरी सीखने के लिए हमको सबसे पहले पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। धीरे 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 करके सीख पाते बांसुरी। तो ये जीभ स्फूर्ति आप प्रैक्टिस कीजिए इसको। बाकी दूसरा एक और ये आज एक अलंकार हो गया। अब अगली वीडियो में एक दूसरा अलंकार हम और करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए इसको, अप्रोक्स 1-2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए इसको, कम से कम रोज प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।